अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शिव गोपी, आप लोग दादी के पास जाओ, हम बताते हैं सच क्या है। आइए आप। बताइए इन सबको, क्या सच है और क्या झूठ? किसने आपको क्या कहने के लिए बोला था? गौरी मैडम ने हमें पैसे दिए थे वो नाटक करने के लिए, हम तो वो एनजीओ में काम भी नहीं करते। वाह गौरी वाह, क्या खेल रचा है तुमने, लेकिन आखिर तुम्हारा सच आज सबके सामने आ ही गया, वो भी सबूत के साथ कि शिव तुम्हारा बेटा नहीं है। गोपी हमारे पास रहो बेटा, पापा संभाल लेंगे। ये नहीं करना चाहिए था, हमारे शिव के सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब इसकी सजा भुगतोगे तुम, अपने हाथों से तुम्हारी जान लेंगे, आज तुम अपनी जान सजाओगे। अरे नहीं शिव, हम बुरे नहीं, आप मैं आप क्या बोल रहे हो, हम प्यार करते हैं आपसे, ऐसे मत बोलो ना प्लीज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबके लिए बुरे हो सकते हैं आपके लिए नहीं, हम इनकी बात मत सुनो ना। रुक जाइए, अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं गौरी नारायण।
मुझे जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, पैदा किया, बहुत प्यार किया, कलेजे का टुकड़ा बनाकर सर आंखों पर बिठाकर रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन भूल गए तुम्हारी रगों में भी तो कृष्णा का ही खून है ना। काश वो गोली हमने अपने सीने पर ना ली होती तुम्हें बचाने के लिए, काश वो गोली तुम्हें लगी गई होती। गौरी! गौरी! तुमने तो आज हमारा पत्थर का दिल भी तोड़ दिया। बस गौरी, आज तो तूने सारी हदें पार कर दी, न बड़ों का लिहाज, न बहन का और न बेटे का, और खुद को माँ कहती है तू? शर्म कर। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ये गौरी क्या कह रही थी? शिव बेटा, कुछ नहीं कह रही थी गौरी। तुम हमारे बेटे हो, हमारा अपना खून हो, तो बस ये बात याद रखो कि तुम हमारे और कृष्णा के बेटे हो, हमारे अपने बेटे हो। कृष्णा, क्या आप मेरी माँ हो? आशिफ, हम हैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी असली माँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, मेरी सभी गलती के लिए माफ कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। कोई बात नहीं, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कृष्णा, हमें भी माफ कर दो, शायद सही गलत की पहचान भूल गए थे और गौरी का साथ दे रहे थे, पता नहीं तुम्हें हमने क्या कुछ नहीं कह दिया, माफ कर देना। माझे प्लीज, आप माफी मत मांगिए हमसे, हमें तो आपकी बातों को कभी बुरा लगा ही नहीं, हमारा मकसद था सिर्फ गौरी का सच सबके सामने लाने का, और वो हम लेकर आ गए, और हम बस हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार हमेशा एक साथ और हंसी खुशी रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। माँ, आप मुझसे वो किया हुआ वादा तोड़ सकते हो, पापा को सच बता सकते हो कि गोपी उनकी बेटी है। क्या सच सच में? अगर हम बताएंगे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? बुरा किस बात पर लगेगा? पापा, मैं जैसे आपका और माँ का बेटा हूँ, वैसे गोपी आपकी और माँ की बेटी है, मेरी रियल बहन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके उस्ताद जी हैं, हम बचाएंगे आपको। पापा जैसे, इतने समय से हम जिस लड़की को अपनी सिर्फ बेटी मान रहे हैं, वो सच में हमारा खून है, हमारी अपनी बेटी है। कृष्णा, ये शिव गोपी क्या वो सच है क्या? गोपी, गोपी सच में हमारी बेटी है क्या? हाँ जीत बेटा, तेरा बेटा ठीक कह रहा है, गोपी तेरी अपनी बेटी है बेटा। पापा, आप ही हमारे असली पापा।
जी, ये सच हमने तुम्हें इसलिए अब तक नहीं बताया क्योंकि शिव ने हमसे वादा लिया था कि हम उसे ये ना बताएं कि गोपी तुम्हारी हमारी हम दोनों की बेटी है, इसलिए हम तुम्हें बता ही नहीं पाए। लेकिन आज शिव को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारा परिवार आज एक साथ है, हम दोनों साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें गौरी को लेकर दुख हो रहा है। देखो कृष्णा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, पर इस समय हमें उन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जो हमारी जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं देकर गई। तुम देखो ना, हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग साथ में है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और एक बात कहें, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा तुम्हें शादी के जोड़े में देखने के लिए। ज्यादा सोचना बंद करो और शादी पे फोकस करो। पंडित जी, आप इस तरह से अचानक कैसे आ गए? अभी तो हमने तैयारियां शुरू ही की है। सच कहूं तो विवाह के लिए ये दिन कुछ शुभ नहीं है, भविष्य में तो हमें बस विपदा ही विपदा आने की आशंका है। कैसी विपदा पंडित जी? पंडित जी, कैसे अनहोनी होने की आशंका है? किसी करीबी से खतरा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जाइए, कृष्णा को इतनी आसानी से हम जीतने नहीं देंगे। उसने हमसे हमारा बेटा छीना है, देखना कैसा तूफान लाते हैं उसकी जिंदगी में। अरे सामने पत्थर, चलो पत्थर हटाओ। वक्त आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। पंडित जी, अब क्या कहना चाहते हैं, कुछ साफ साफ बताइए। कैसी आशंका, क्या अनहोनी, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। खून, आग, धुआं, राख, कोई बड़ी अनहोनी की आशंका है।
आज तक गौरी का सबने प्यार देखा है, ममता देखी है, गुस्सा देखा है, नफरत देखी, मगर अब गौरी का इंतकाम देखेंगे। उस इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अब कहानी भी वही होगी, किरदार भी वही होंगे, मगर कयामत दुखनी होगी। जीत, कृष्णा, तुम दोनों ने मुंह क्यों लटकाया बेटा? सब ठीक होगा, चिंता मत करो, बैठ जाओ। वही तो, आज सैड होने का दिन थोड़ी ना है, आज तो आपको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की तो फिर से शादी होने वाली है। चलो स्माइल करो। और इसमें रॉन्ग क्या है? वही तो, आपको तो स्माइल करना चाहिए। चलो स्माइल करो। अरे बस 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 बस, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? हम अपनी प्यारी सी बेटी गोपी को देख रहे हैं। पता है गोपी, आपके मुंह से पापा सुनना हमारे लिए सुकून जैसा है। मन करता है कि आपको देखते ही रहें, आपके मुंह से पापा सुनते ही रहें। वो क्या कहते हैं, एकदम म्यूजिक की तरह। फिर तो कृष्णा का भी प्रमोशन होना चाहिए। अब तो मैं कृष्णा को कृष्णा नहीं, अब तो मैं उन्हें माँ बुलाऊंगा। वही तो, खामखा तुम दोनों परेशान हो रहे हो। सब ठीक से होगा, हम ना अभी तुम दोनों की नजर उतारते हैं। काम तो करेगा। एक बार ये लड्डू खिला के तो देख, फिर तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में तो कहना। अब जा। तुमने सिर्फ हमसे हमारा बेटा शेफ और हमारा प्यार जीत नहीं छीना कृष्णा, हमसे हमारे जीने की वजह छीन ली। हमारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया और अब उसी अंधेरे का सहारा लेकर हम तुम्हारी जिंदगी में अंधकार कर देंगे। इस कदर कि तुम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगी। नंदू, जा जाकर ये पैर फेंक दे। उतर गई नजर, समझ गए चिंता करने की कोनो जरूरत ना है। अच्छा भाई, अब ये सब छोड़ो, शादी की तैयारियां शुरू करो। इतने कम टाइम में शादी की तैयारियां होंगी कैसे, समझ नहीं आ रहा हमें। तो अब सब सोच लिया हो तो हम लोग शादी के लिए तैयार हो जाएं।
अब इस घर को लगी बुरी नजर कोई लाल मिर्च नहीं उतार सकती, क्योंकि अब हम इस घर में ऐसी बुरी नजर बनकर आए हैं कि नजर को भी खुद पर नाज होगा। वक्त आ गया है कृष्णा, तुम्हारी बर्बादी का। गौरी,